बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट आपके वीडियो में मैंने देखा था अगर आप वैसी बता सकते कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स जिसमें एस आई लोग कर सकते हैं और आ, आपने एक और चीज़ बोली ये मार्केट को बीट करना उसके ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए स्पेशली जो लोग मार्केट में जैसे हम लोग है नहीं तो मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी उनके ना कोर क्रक्स यही बोलते कि आप इंडेक्स फंड में डाल दो डायरेक्ट फंड में डाल दो जिसमें कम से कम मतलब एक्सपेंसेस रहे उसको डाल के छोड़ दो एक्सपेंसिस yes. और वो बड़े बड़े लोगों को बीट कर देगा बड़े बड़े रॉन्ग ऑब्वियसली दस बीस साल मतलब टिकने की अगर हिम्मत है तो ये करके छोड़ दो टाइम इधर पे खोटी मत करो आप अपना काम करते रहो एक्टिव इनकम बिल्कुल देखिए आपके पीछे एक बुक बहुत अच्छी रखी है वो मनी मास्टर ऑफ द गेम टोनी की उसमें

तो यू you नो know, वो कहते यार वो तो इतना अमीर है ऐसा नहीं है वो भी गरीब था वो भी परेशान था वो भी उसने भी बहुत मेहनत करी है तो आप बनना तो चाहते हो कि चलो मैं संजय की तरह बन जाता हूँ यार इतना पैसा तो हो कि रिटायरमेंट अच्छी तो हाँ। सही, सही जगह पेंगे वही अगेन वापस वॉरन कहते हैं तो आज आप चीजें खरीदो चाहे गाड़ी हो घोड़ा हो चाहे पेनी स्टॉक्स हो चाहे ऑप्शन हो हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे कुछ आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड्स है जो रिकमेंड की जा सकते हैं इंडेक्स फंड्स में देखिए म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दूंगा गोल बेस्ड होना चाहिए अगर आपका गोल लंबा है पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल तो यू कैन इन्वेस्ट अ गुड पार्ट ऑफ योर इनकम इंटू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं पर शॉर्ट टर्म में उनमें हाई वॉलीटैलिटी होती है अचानक से अगर कल मार्केट बीस क्रैश कर गई हमें तो पता नहीं है हमारे कंट्रोल में है नहीं और आपका गोल सिर्फ तीन साल है पांच साल है तो आपके तो पैसे टाटा बाय बाय <laughs> हो गया तो इसीलिए आपका गोल जितना लंबा होगा उस गोल के हिसाब से आपको अपना एसेट एलोकेशन या म्यूचुअल फंड एलोकेशन करना है गोल छोटा है स्टिक टू इंडेक्स लो वॉलिटालिटी और लो रिटर्न गोल बहुत लंबा है देन टेक रिस्क विच इज स्मॉल एंड मिड कैप गोल मीडियम टाइम का है तो स्टिल द कोर विल बी इंडेक्स फंड और थोड़ा यू कैन एड ऑन स्मॉल एंड मिड कैप फंड क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में ग्रोथ का चांस ज्यादा है आज रिलायंस पच्चीस लाख करोड़ की कंपनी है वो दो सौ पचास लाख करोड़ की कंपनी होने में बहुत टाइम लगेगा पर एक कंपनी पाँच सौ करोड़ की है वो पाँच हज़ार करोड़ की अगले पाँच दस साल में हो सकती है अगर अच्छे से चल पड़ी तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने देखे जैसे बजाज फाइनेंस है उसने दस साल में फोर्टी फोर टाइम्स का रिटर्न दिया फोर्टी फोर टाइम्स परसेंट नहीं फोर्टी फोर टाइम्स तो ऐसे आपको कुछ पिकर्स मिल सकते हैं जो आपको लंबे समय में एक अच्छी आ, आए, आए, आपके एक अच्छी आपके पोर्टफोलियो बेसिस पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं तो वो पाने के लिए आपको इस तरह से एलोकेशन करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा लंबा गोल रखोगे उतना मिड कैप और स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा एड कर अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल